पेज नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 2, अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग करते हुए आपने देखा हुआ है, मेटल्स की वेल्डिंग करते हो, ठीक है, ये बच्चों मेटल है, ठीक है, और इसमें हमको ये वाला मेटल ऐसा जोड़ना है। एक बार बताएं, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है ना। मेटल्स को मेल्ट करने के लिए आपको 2000-3000 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। तो दो मेटल्स को जोड़ना है तो इसको बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाए, ये मेल्ट हो जाइए, इसको इसके ऊपर रख देंगे, फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, इसको पकड़ लेगा अच्छे तरीके से। बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। कह रहा है कि मिक्सचर, हम देखो ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च आपने सुनी होगी, कौन सी? ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च में दो गैसेस का मिक्सचर होता है, ऑक्सी मतलब किसका? ऑक्सीजन का, और एसिटिलीन गैस कौन सी होती है आपकी? इथाइन। इथाइन जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H2 होता है फॉर्मूला, ठीक है। और इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इथाइन का स्ट्रक्चर होता है आपका, देखिए इथाइन दो कार्बन है तो दो कार्बन बनाएंगे, ठीक है। इथाइन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, आइन लगा ना, YNE आइन लगा है, तो ट्रिपल बॉन्ड डाला। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों? 4। तो ये कार्बन तीन बॉन्ड बना चुका है, एक इधर हाइड्रोजन से बनाएगा, एक इधर हाइड्रोजन से बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम इसको जब कंडेंस करके लिखेंगे तो कैसा फॉर्मूला आएगा इसका? C2H2 आएगा, ठीक है ना। दो कार्बन है और दो हाइड्रोजन है, ये फॉर्मूला हो गया आपका किसका? ये इथाइन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट है? अब सुनो बच्चों ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसके लिए मैं अपना कैलकुलेटर का भी यूज़ करूँगा, ठीक है। तो आप लोग जरा ध्यान से चेक करो। देखो बच्चों, अगर मेरे पास इथेन होता, सुन लो, मेरे पास क्या होता? इथेन। ध्यान से चेक करो बच्चों, इथेन अगर होता, ठीक है, तो इथेन का फॉर्मूला क्या होता बच्चों? C2H6। भाई दो कार्बन होंगे ना इथेन में, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड, और सब जगह हाइड्रोजन लगा, एन लगा ना इथेन, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। चेक करो C2 कितना हो गया? C2H6। ये इथेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये? इथेन का फॉर्मूला है। सुनो बच्चों, इथेन के फॉर्मूले में अगर आप ध्यान से चेक करें, ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज ऑफ कार्बन बहुत कम है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं सर? सुनो भैया, इथेन के मॉलिक्यूल में टोटल का टोटल एटम्स कितने? 6। टोटल 8 एटम्स हैं, टोटल 8 एटम्स हैं, 2 कार्बन का और 6 किसका? हाइड्रोजन का। टोटल सुन लो, इथेन के फॉर्मूले में बच्चों टोटल एटम्स कितने हैं? 8, 2 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के। परसेंटेज कैसे निकालते हो बताओ? कैसे निकालते हो परसेंटेज बताओ? आप जब पेपर दे के आते हो अपना एग्जाम में, तो जितने नंबर आपको मिले होते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हो, और डिनोमिनेटर मान लो 10 नंबर का टेस्ट हुआ, कितने का? 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, और 8 आपको मिले, तो 8/10 करके into 100 कर देते हो, तो आपका परसेंटेज आ जाता है। ठीक उसी तरीके से इस कंपाउंड को देखो, इसमें टोटल एटम्स कितने? 6+2 8, तो 8 हम नीचे रखेंगे, कार्बन कितने इसमें? 2, तो कार्बन का अगर आप परसेंटेज निकालोगे इस कंपाउंड में इथेन में, तो कैसे आएगा? 2/8 into 100, सही है। सॉल्व करता हूँ बच्चों फटाफट कैलकुलेटर से, देखता हूँ कितना आ रहा है, ठीक है। तो 2 into, चल जा यार एक सेकेंड, 2 into 100 डिवाइडेड बाय वॉट? डिवाइडेड बाई 8। परसेंटेज आ गया कार्बन का यहाँ कितना? 25% कार्बन है इसमें, ठीक है। अब सुनो बच्चों, अगर मैं इथाइन में, इथाइन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C2H2, ये इथाइन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इथाइन के फॉर्मूले में अगर मैं कार्बन की परसेंटेज निकालूं, तो बच्चों चेक करो यहाँ पर परसेंटेज कार्बन की क्या आएगी? टोटल एटम्स कितने हैं? 2+2 4, टोटल को नीचे रखो, कार्बन कितने? 2 2/4 into 100 करोगे, कितना आएगा? मेरे ख्याल से 50 आएगा, ठीक है। 2 into 100 और डिवाइडेड बाय व्हाट? 4, कितना आया? 50%। अब एक बात बताइए बच्चों ज़रा मुझे, कि इथाइन में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है कि इथेन में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा? बताइए, इथाइन में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है। देखो बच्चों ध्यान से चेक कर लो, मैंने 2 कार्बन का ही 2 कंपाउंड चूज़ किए, एक तो एल्केन फैमिली से इथेन, और दूसरा आपका एल्काइन फैमिली से इथाइन, सही है ना। तो बच्चों आपने देखा इथाइन में कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन या फिर कार्बन की परसेंटेज क्या है? ज़्यादा है। अब सुनो एक बात बताएं, कार्बन की अगर परसेंटेज ज़्यादा होगी, अगर देखो एक बात बताओ, मेटल को अगर आपको मेल्ट करना है भैया, तो आपको हीट चाहिए, हीट करने के लिए क्या करोगे? आप इसको जलाओगे, इथाइन को या इथेन जो भी लिया है, वैसे तो इथाइन ऑक्सीजन के साथ लेते हैं, बताना क्यों, इसको जलाओगे जब, ठीक है ना, इसको बर्न करोगे। जब आप इसको जलाते हो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप जलाओगे, क्या क्या निकलता है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाटर निकलता है, और हीट निकलता है, पढ़ा है आपने। एक बात बताओ बच्चों, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आपने लिया, बहुत ध्यान से चेक करिए, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से चेक करिए जरा, ये तो क्लास में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? देखो आपने कोई हाइड्रोकार्बन लिया, हाइड्रोकार्बन क्या होता है सर? जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, उस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसको आपने जब ऑक्सीजन के साथ आप इसके रिएक्शन कराते हो, यानी कि इसको हीट करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलता क्या क्या है, याद करिए बच्चों, आपको मिलता क्या क्या है? आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्लास में पढ़ा है, आपको वाटर मिलता है, और साथ में
मतलब इसको हीट करते हो तो आपको एक रिएक्शन होती है जो कि एक्सोथर्मिक होती है और भारी मात्रा में वहाँ पे हीट निकलती है, ठीक है। हीट देने का मतलब आप बर्न कर रहे हो उसको, बर्न कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हीट मिलती है बहुत ज़्यादा। अब ध्यान चक्र हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या, इस हाइड्रोकार्बन में जो भी कार्बन होगा, हाइड्रोकार्बन में पक्का कार्बन होगा, ये कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया, कार्बन ऑक्सीडाइज हो गया। चेक करो, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। एक बात बताओ बच्चों, हाइड्रोकार्बन में जैसे कि यहाँ पे चेक करो, इथेन में कहाँ गया, इथेन में कार्बन है, इथेन को आप बर्न करिए, ले जाके जलाइए इसको। जब आप बर्न करोगे इथेन को तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, यानी कि कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। सुन लो, कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो बच्चों, कार्बन को आपको ऑक्सीडाइज कराने के लिए ऑक्सीजन लगाना है कि नहीं लगाना है, ठीक है। अब सुनो, जिस भी कंपाउंड में कार्बन की मात्रा कम होगी, कार्बन का परसेंटेज जिस भी कंपाउंड में कम होगा, उसमें आपको ऑक्सीजन भी कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस कार्बन को कौन ऑक्सीडाइज कराता है, ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीडाइज कराता है, सही है ना। अगर कार्बन कम है, ध्यान से सुन लो, अगर कार्बन की मात्रा कम है, कार्बन का परसेंटेज कम है, तो ऑक्सीजन भी कम लगेगा। लेकिन अगर कार्बन हाई है बच्चों, कार्बन अगर हाई है तो ऑक्सीजन भी आपका ज्यादा लगेगा, सही है। अब मुझे बताइए, ज्यादा ऑक्सीजन कहाँ लगेगा, इथेन में कि इथाइन में? इथाइन में, क्यों? क्योंकि इथाइन में कार्बन की परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बात समझ में है कि नहीं? तो अगर आपको हाइड्रोकार्बन में यहाँ इथाइन लेना है और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करानी, बर्न कराना है उसको CO2 H2, और साथ में अगर आपको ये वाली हीट चाहिए, इसी हीट की हेल्प से आप क्या करोगे, मेटल को मेल्ट करोगे, ठीक है ना। तो बच्चों, आपको ऑक्सीजन एकदम प्योर फॉर्म में और ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इथाइन को आपने उठाया और एयर से रिएक्शन करा दी। एयर में एक बात बताएं, एयर में प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है। आपने एयर का कॉम्पोजिशन क्लास 9th में आपने पढ़ा है, एयर में पूरा ही ऑक्सीजन थोड़ा होता है, उसमें नाइट्रोजन भी होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो एयर से नहीं कराओगे, एयर से रिएक्शन कराओगे ना, तो क्या होगा, प्रॉब्लम बताओ। अगर इथाइन को उठाया आपने, ध्यान चक्रो बच्चों, ये देखिए इथाइन का फॉर्मूला है C2H2, इसकी रिएक्शन आपने एयर से उठा के करा दी। अब भैया एयर में तो बहुत कुछ है, क्या क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, नाइट्रोजन है, और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो प्योर ऑक्सीजन थोड़ी ना मिल पाएगा, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कार्बन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इस कार्बन को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो होगा क्या बताओ, होगा ये बच्चों कि आपका ये जो इथाइन लिया है ना, वो बर्न तो होगा, वो जलेगा, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सूटी फ्लेम, येलो फ्लेम बनेगा। सूटी फ्लेम मतलब धुएंदार धुआं निकलेगा, येलो कलर का फ्लेम निकलेगा। और एक बार बता दें, जब कहीं पे सूटी फ्लेम आपको दिखाई पड़े, येलो फ्लेम दिखाई पड़े, उसका टेम्परेचर लो होता है, याद रखिए, सब क्लास में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको सूटी फ्लेम थोड़ा धुआं जैसा उठे दिखाई पड़े, या आपको येलो फ्लेम दिखाई पड़े, पीले कलर का फ्लेम, तो वहाँ टेम्परेचर आपका लो होता है, सुन लो, टेम्परेचर आपका वहाँ कम होता है। ब्लू फ्लेम अगर आपका दिखाई पड़े कहीं पे, ब्लू फ्लेम, ब्लू कलर का, अरे गैस में, घर में गैस जलाते हो ना, बर्नर, गैस सिलेंडर का, LPG, ठीक है, तो फ्लेम कैसा दिखाई पड़ता है, ब्लू, काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर किसका होता है, ब्लू फ्लेम का, सुन लो, ठीक। तो अगर यहाँ पर एयर से करा दिया तो आपको कैसा मिलेगा, सूटी और येलो फ्लेम मिलेगा, जिसका कि टेम्परेचर कैसा होगा बताइए, लो। और दूसरी तरफ इस इथाइन को उठाकर अगर आप रिएक्शन करा दें किससे, प्योर ऑक्सीजन से, यानी कि ऑक्सीजन का सिलेंडर लाया एक तरफ, इथाइन का सिलेंडर एक तरफ, ठीक है, दोनों को एक पाइप में डाल के मिक्स कर दिया, और उसको जब पाइप से मिक्सचर निकल रहा है, किसका मिक्सचर निकल रहा है, ऑक्सीजन और इथाइन का, उसमें हमने आग लगा दी, ठीक है, थोड़ा सा उसमें उसको इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचा दिया, वो जलने लगा। अब भरपूर मात्रा में इस इथाइन को, जिसमें कि कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, इसको भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगी, और सारा का सारा यहाँ पे जो कार्बन है बच्चों, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सुन लो, अगर कार्बन बच गया ना, तो वही कार्बन कालिक के फॉर्म में, सूटी फ्लेम, काला काला निकलता है, अनबर्न जो कार्बन होता है। आपको कार्बन को पूरी तरीके से बर्न करना है, यानी कि कार्बन को पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कराना है। ऑक्सीडाइज कौन कराता है, बर्निंग में कौन हेल्पफुल होता है यार, ऑक्सीजन, तो प्योर ऑक्सीजन डालो ना, बस नहीं कि नहीं। तो ऐसा जब आप डालोगे तो मिलेगा क्या क्या, आपको पता है क्या क्या कंपाउंड मिलेगा, आपको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलता है आपको, वाटर मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हीट मिलती है, ये हीट इतनी ज़्यादा होती है कि आपका टेम्परेचर कहीं ना कहीं 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है बच्चों। इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च जो होती है, उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन यानी कि इथाइन का मिक्सचर डाला जाता है। अब इसको बच्चों बैलेंस वैलेंस करना है, तो आप लोग कर लीजिए, देख लीजिए भैया कैसे बैलेंस होगा ये अगर हम लोग बैलेंस करें तो कैसे होगा। कार्बन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 to the 4, और यहाँ पर फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, आपका ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है, तो इसको भी इवन कर लो, 2 और 2 to the 4, 2 + 2 = 4 ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 लगा लो, ठीक है ना, मेरे ख्याल से बैलेंस हो गया क्या, चेक करो, 2 to the 4 हाइड्रोजन प्रॉब्लम कर देगा। तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, कार्बन कितने हो गए, 4, तो यहाँ आपको क्या लगाना पड़ेगा, 4, 4 to the 8 और 2, 10, 10
10 ऑक्सीजन हो गए, तो यहाँ आपको मेरे ख्याल से 5 लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। तो चेक करो, ये हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराया, कार्बन डाइऑक्साइड मिला, वाटर मिला और हीट मिला। चेक कर लो भैया बैलेंस है, 2 to the 4 carbon, ऑक्सीजन 5 to the 10, ऑक्सीजन 4 to the 8 प्लस 2 10, हाइड्रोजन कितना 2 to the 4, इधर हाइड्रोजन 2 to the 4, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, और टेम्परेचर कितना मिलेगा 3000 डिग्री सेल्सियस। कोई डाउट है बताइए। अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, सुनो मेरी बात ध्यान से। एग्जाम में आंसर सबसे पहले आपको ये लिखना है कि इथाइन क्या है, C2H2 मतलब क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एसिटिलीन भी बोलते हैं, एसिटिलीन का कॉमन नेम है, इथाइन इसका आयोटैक नेम है। तो इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इथाइन क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ पर कार्बन की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, कार्बन की जो मात्रा होगी इस कंपाउंड में, उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, ये बताना आपको। तो हम क्या बताएंगे कि इथाइन इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग व्हाट, कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इट, उसमें कार्बन का परसेंटेज हाई होता है, 50% कार्बन होता है। ठीक, फिर दो पॉइंट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड प्योर ऑक्सीजन इज बर्न्ड, ध्यान से चेक करो, मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड प्योर ऑक्सीजन इज बर्न्ड, जब इसको बर्न किया था क्या होता है, द इथाइन बर्न्स कंप्लीटली, इथाइन इस तरीके से कंप्लीटली बर्न्ड होगा। इथाइन कंप्लीटली बर्न्ड होने का मतलब है कि इथाइन में जितना भी परसेंटेज कार्बन मौजूद है, सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी आपको सूटी फ्लेम नहीं मिलेगा, वहां पर येलो फ्लेम नहीं मिलेगा, आपको ब्लू फ्लेम मिलेगा। द इथाइन बर्न कंप्लीटली प्रोड्यूसिंग एन एक्सट्रीमली हॉट ब्लू फ्लेम, ठीक है, ब्लू कलर का फ्लेम आपको दिखाई पड़ेगा जो कि बहुत ही हॉट होगा, उसका टेम्परेचर लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस होगा, एंड विच कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग मेटल्स इन ऑक्सीएसिटिलीन टॉर्च। फिर ये वाली आपको रिएक्शन लिख देनी है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, इफ हाउएवर मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर, अगर हम ऐसा करके आप एक रिएक्शन ऐसे दिखा सकते हो फालतू की, इथाइन और एयर को ले लें, तो एयर में डिफरेंट कॉम्पोजिशन होता है, प्योर ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर, इज बर्न, देन यहां लिखा हुआ देन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ इथाइन टेक प्लेस, ठीक है, इथाइन का इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट मतलब सारा का सारा कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखिए लिखा भी हमने बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर से इनसफिशियंट ऑक्सीजन मिलेगी उसको, ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ येलो सूटी फ्लेम विच इज नॉट इनफ टू वेल्ड मेटल्स, जैसे कि येलो सूटी फ्लेम आपको मिलेगी, काला काला धुआं भी उठता हुआ आपको नजर आएगा, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होता, तो मेटल्स मेल्ट नहीं होंगे, जब मेल्ट ही नहीं होंगे तो वेल्डिंग कैसे करोगे, बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई। तो ये सब आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इतना